नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं राजेंद्र देव और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे खबरें धुआं धार। मानहानी केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा। सजा के बाद 15,000 के मुचलके पर सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दी। मोदी सरनेम को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साथ है। देहरादून में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा का विरोध। हंगामा बढ़ने पर हिरासत में लिए गए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता। आरिफ के सारस को लेकर अखिलेश यादव ने फिर किया ट्वीट। सारस के मिलने की अखिलेश ने जानकारी दी। लिखा, बीसैया गांव को बहुत धन्यवाद जिसने सारस को बचाया। सारस पक्षी से जुदा होने पर छलका अमेठी के मोहम्मद आरिफ का दर्द। वीडियो वायरल कर आरिफ ने कहा कि उस बेजुबान का कसूर सिर्फ इतना है कि वो इंसान से दोस्ती कर बैठा। अतीक से मिलीभगत के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। 1 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को प्रयागराज से हटाकर दूसरे जिले में भेजा गया। गोपनीय जांच के आधार पर आदेश जारी। प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबियों पर आज भी बुलडोजर एक्शन। अतीक के रिश्तेदार और साथियों की साइट पर की गई बुलडोजर की कार्रवाई। नवरात्र में युवाओं को सरकार की ओर से नियुक्ति की सौगात। सीएम योगी 496 से ज्यादा नवचरित अभ्यर्थियों को दे चुके हैं नियुक्ति पत्र। 13 अलग अलग विभागों के युवाओं को सौगात। हमीरपुर में घड़े के अंदर मिला 10 फीट का अजगर। आसपास रहने वाले लोगों में मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। सहारनपुर में दबंग ने दुकानदार का सामान तोड़ दिया। दहशत फैलाने के लिए दुकानदार के साथ गाली गलौज और धमकी दी। पीड़ित ने दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सुरक्षा की गुहार लगाई। मिर्जापुर में विंध्य महोत्सव की शाम लोक गायिका मालिनी अवस्थी का नाम रही। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी ने भक्ति से जुड़े गीतों की प्रस्तुति दी। गीतों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए लोग। गोरखपुर के सहजनवा में किन्नर पर हुए हमले के बाद साथी किन्नरों का प्रदर्शन लगातार जारी। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे किन्नर। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला महिला का शव। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी। कटरा मेंदनीगंज के मंदिर के पास की वारदात। हरदोई में डबल मर्डर मामले में 9 लोगों पर FIR दर्ज। मृतक के पिता ने मंजिला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। गोटिया इलाके में डबल मर्डर हुआ था। औरैया पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं से 5 साल के बच्चे को सकुशल बरामद किया। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। संभल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने युवती पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। बरेली में सिपाही पर छात्रा की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दोस्तों और उसके परिजनों को भेजने का आरोप। आरोपी सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर में घर से लापता कारोबारी का जंगल में खून से लथपथ मिला शव। कुछ दूरी पर नाले में पुलिस को बाइक भी मिली। जमालपुर ढिकली का रहने वाला था युवक। हमीरपुर में दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में चली गोलियां और लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बिजनौर में अज्ञात हत्यारों ने युवक की हत्या कर दी। जंगल में खून से लथपथ मिला युवक का शव। थाना बढ़ापुर के जंगलों का मामला। विकासनगर के उपजिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देकर महिला फरार। अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को सामाजिक संगठन को सौंपा। पुलिस महिला की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में दिव्यांगों ने जिला दिव्यांगजन अधिकारी पर आरोप लगाए। कहा, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की मारपीट और अभद्रता। 30 किलोमीटर दूर से बुलाकर नहीं दी गई ट्राईसाइकिल। चंपावत के पूर्णागिरी धाम मेला क्षेत्र में बड़ा हादसा। मेले में सवारी ढोने वाले यात्री बस का ब्रेक फेल हो गया। बस ने अनियंत्रित होकर तीर्थयात्रियों को कुचला। 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 7 लोग जख्मी।
बिजनौर में रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, टक्कर लगने से कार के परखच्चे उड़ गए, कार सवार तीन लोग घायल, की हालत नाजुक, नूरपुर रोड की घटना। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी दादरी प्लांट में 25,000 वोल्ट लाइन में मजदूर को करंट लग गया, झुलसे मजदूर को दिल्ली से अस्पताल रेफर किया गया। गाजियाबाद में ई रिक्शे में रखे सामान से टकरा कर गिरा पुल, पुल गिरने से कार क्षतिग्रस्त, एलिवेटेड कट वसुंधरा पर बड़े वाहनों की रोकथाम के लिए लगाया गया था पुल। अमरोहा में दो बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर हो गई, हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई, थाना हसनपुर के रेहरा मार्ग की घटना। नोएडा के सेक्टर 10 में एक्सपोर्ट कंपनी में लगी आग, दमकल विभाग ने कंपनी में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला, वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। इटावा में हनुमानगढ़ी के महंत राजदास के बिगड़े बोल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी की, लव जिहाद के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों का सर तन से जुदा कर। बहराइच में रास्ते में हो रहे बालू खनन को देख भाजपा विधायक का पारा हाई, विधायक सुरेश्वर सिंह ने खनन अधिकारी को लगा दी क्लास, कहा खनन माफियाओं से मिले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बयान दिया, कहा 1 साल में सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई, जनहित की योजना से जुड़े बजट को खर्च नहीं कर पा रही सरकार। पिथौरागढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, जिला कांग्रेस कमेटी ने सिलथाम चौराहे पर प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धारचूला के दारमा घाटी में गांव में पिछले 5 से 6 दिनों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, नगालिंग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए ग्रामीण। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर छलका भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय का दर्द, कहा अभी तक उन्हें टिहरी जिला मुख्यालय में आवास आवंटित नहीं किया गया। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, राजरंभा, हंसलिंग, पंचाचूली समेत ऊंची चोटियों पर बर्फ ढकी हुई दिखाई दी, बर्फबारी से मौसम सुहावना हुआ। नवरात्र के दूसरे दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना कर मां से मनोकामना मांग रहे श्रद्धालु। रामपुर में चैत्र नवरात्र के मौके पर ध्वज यात्रा का आयोजन, महामाया ट्रस्ट ने निकाली भगवा ध्वज यात्रा, विधायक आकाश सक्सेना ने यात्रा की शुरुआत। झांसी की मौरानीपुर तहसील परिसर में किसानों का धरना, ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं धरने पर बैठे किसान। पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में की गई फ्लीट रिहर्सल, शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी, वन वर्ल्ड टीबी समिट को करेंगे संबोधन। श्रीकांत त्यागी का बड़ा बयान सामने आया, कहा अब नहीं होने देंगे रावण के पुतले का दहन, रामलीला कमेटियों को लिखा जाएगा पत्र, रावण दहन किया तो दर्ज कराएंगे मुकदमा। शामली के ग्राम बाबरी में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की खुली पोल, गांव में निर्माण के दौरान ही नाला हुआ ध्वस्त, नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। फिरोजाबाद में कुट्टू का आटा खाने से बिगड़ी 17 लोगों की हालत, सरकारी ट्रॉमा सेंटर में सभी लोगों को कराया गया भर्ती, सभी मरीज खतरे से बाहर। गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 12 से ज्यादा लोग बीमार, तबियत खराब होने के बाद लोग अस्पताल में भर्ती, कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कानपुर विश्वविद्यालय में 37वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह में शामिल हुई, आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और रजनी तिवारी ने भी शिरकत की। यूपी में होली के बाद बड़े कोविड मरीज, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हुई, बुधवार को लखनऊ में 8 कोरोना मरीज मिले, हर रोज मिल रहे हैं 3 मरीज। बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल और केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी। लखनऊ नगर निगम ने चलाया वसूली अभियान, बड़े के बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, बुधवार को 6,76,000 की वसूली की गई। कानपुर के बाबा करौली विवाद में आश्रम से खाली हाथ लौटी पुलिस, आश्रम के सीसीटीवी में नहीं मिला, 22 फरवरी को नोएडा के डॉक्टर से हुई मारपीट का वीडियो। बागपत में अंकेश हत्याकांड मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस का दावा सुपारी देकर हत्या करवाई गई। लखनऊ में ट्रक ड्राइवर हत्या मामले में खुलासा, 2 आरोपी अरेस्ट, कल्ली पश्चिम के पास ट्रक में मिला था शव।
शामली में एनकाउंटर के बाद चैन स्निचर अरेस्ट, एक बाइक सवार बदमाश फरार, आदर्श मंडी क्षेत्र में हुई मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा का भूमि घोटाला, गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध एक आरोपी गिरफ्तार, गिरोह का सरगना यशपाल पहले से ही जेल में बंद। लखनऊ में दो शराब तस्कर गिरफ्तार, चंडीगढ़ से ला रहे थे अवैध शराब, 780 बोतलें अंग्रेजी शराब की जब्त। तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले की संपत्ति कुर्क, फिरोजाबाद में कार्रवाई, करीब 84 लाख संपत्ति जब्त की गई। प्रतापगढ़ में कुंडा एसएचओ पर केस, गैंगरेप के मामले की विवेचना में पीड़ित की पहचान की थी उजागर, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। झांसी में ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप, मैनुअल चालान कर रसीद में नहीं दर्ज किए वसूली के पैसे। मां और तीन बच्चों की मौत का मामला, बागेश्वर में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।